क्या आपको पता है ITO यानी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस 2021 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी इंफॉर्मेशन भरकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। आज हम करेंगे इंडियन टैलेंट ओलंपियाड क्लास फर्स्ट राउंड साइंस का ईयर 2018-19 का क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रहीम लर्न्ड ऑल अबाउट द सन इन स्कूल दिस मंथ। ही नीडेड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द थिंग्स ही लर्न्ड। विच करेक्ट स्टेटमेंट शुड ही राइट इन हिज रिपोर्ट। तो चलिए हम ऑप्शंस रीड करते हैं। सन इज अ प्लैनेट? नो। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द प्लैनेट्स? यस। सी, सन इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, सन इज नॉट अ प्लैनेट, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ सन एंड मून, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन बी, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्क्विरल, मंकी एंड रेकून। ये एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बाकी सारे डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। Read the below conversation and choose the correct answer to the question that follows. Hi Suhas, how are you? I'm fine, but the doctor has suggested me to increase protein intake. Which of the following group of food items Suhas should include in his diet? So, iska answer hai option A, peanut, oats and cottage cheese. ये प्रोटीन रिच फूड आइटम्स होते हैं। फोर, राजू एंड हिज फैमिली वर ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे टू हेल्प द एनवायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल टू द एनवायरमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल? रिसाइकलिंग ट्रैश, यस दिस इज हेल्पफुल। सेविंग इंडेंजर्ड एनिमल्स, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल। Composting old food, yes, this is also helpful. And then using more petrol vehicles, no, this is not helpful. So, option D पे हम टिक कर देंगे। Rekha couldn't think of a word for the process of light on the moon getting bigger and brighter. What could the word be? उस word को हम बोलते हैं waxing. तो हमें वैक्सिंग कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में। सो उस पर हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रौनक, आई हैव सीन दैट इन साउथ इंडिया मोस्ट पीपल ईट राइस। देन रोहित सेज, आई हैव सीन दैट इन नॉर्थ इंडिया पीपल ईट मोस्टली रोटी विद वेजिटेबल्स। सो दिस इज बिकॉज इन पर्टिकुलर पार्ट्स particular food is readily available or more grown than in other parts of India. This main food is called, इसे हम बोलते हैं staple food. Next, read the conversation and choose the correct statement. Umesh, Karuna, you know yesterday doctor uncle put a stethoscope on my chest to listen my pulse rate. Then Karuna says, no Mesh, the stethoscope's purpose was to listen to your heartbeat. Now, अब हमें पता करना है कि कौन correct statement बोल रहा था। तो इसका answer है option D, both made the correct statement, दोनों ने सही बोला। Now question number 8, read the sentence and find true and false statements. Turnip is a cereal. This is false.
सॉरी दिस इज फॉल्स. ब्रोकली इज अ फ्लावर. ट्रू. बीन्स आर दी स्टेम. दिस इज फॉल्स. जिंजर इज अ स्टेम. दिस इज ट्रू. नाउ हमें ये किसमें दे रखा है? ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए में सही तरीके से, तो उसको हम टिक कर देंगे. 9. रीड द बिलो कन्वर्सेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. रमेश आई यूज एन ईयरबड टू क्लीन माय ईयर्स. उमेश आई शेयर माय टॉयज व्हाइल प्लेइंग. रिया आई लाइक टू बाइट माय नेल्स. नाउ द क्वेश्चन इज विच चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड अ गुड हैबिट. तो यहाँ पर रमेश एंड उमेश ने गुड हैबिट डेवलप करी है और रिया ने नहीं, क्योंकि बाइटिंग नेल्स इज नॉट अ गुड हैबिट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई मीन सी, बोथ उमेश एंड रमेश. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वीट एंड राइस आर सीरियल्स. दिस इज करेक्ट. दाल एंड ग्राम्स आर पल्सेस. यस. पी एंड अनियन आर वेजिटेबल्स. यस. कीवी इज अ सीडलेस फ्रूट. नो, दिस इज इनकरेक्ट. कीवी में छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं. तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे. 11. गीता वॉज वंडरिंग वाई शी वॉज नॉट एबल टू सी हर बोन्स बट कुड फील द प्रेजेंस ऑफ इट. दिस इज बिकॉज दे आर कवर्ड विद डैश. सो वो ब्लड से कवर्ड होती है? नहीं. हेयर? नो. स्केलेटन? नो. क्या होता है इसका आंसर? ऑप्शन सी, स्किन एंड मसल्स. क्वेश्चन नंबर 12. रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन and identify which group is best suited for this given description. We come in reptiles class. Some of us do not have legs. They can only crawl, but some of us have 4 legs. तो इसका आंसर है lizard, snake and crocodile. Option B. ये reptiles class में आते हैं. Now, which of the following statement is true? Only animals can live inside water but plants cannot. This is incorrect. अगर आपने कहीं पर सी की पिक्चर देखी होगी तो वहाँ पर नीचे एनिमल्स तो होते ही हैं बट साथ में प्लांट्स भी होते हैं. Not all available water is fit for drinking. This is true. All plants be of flowers. नो, सारे प्लांट्स फ्लावर थोड़ी ना, सारे प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता है. रिवर्स एंड लेक्स आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर. यस, रिवर्स और लेक्स फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं. तब हमारे ट्रू स्टेटमेंट्स कौन से हैं? 2 and 4. कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन सी. सो दिस इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल इंक्रीज योर हार्ट बीट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. रनिंग आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करता है. 15. मैच दी फॉलोइंग. हमें इनको मैच करना है. स्किन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है? नो. स्वेट से? यस. स्किन स्वेट ये लिख देते हैं हम यहाँ पर. नेक्स्ट, किडनी रिलेटेड है यूरिन से? यहाँ पर बी लिख देते हैं. लंग्स रिलेटेड हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पर हम सी लिख देते हैं. अब हमें ये ऑर्डर कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड हैबिट? अपोलोजाइजिंग व्हेन यू हर्ट समवन. दिस इज अ गुड हैबिट. Cutting nails regularly? Yes. Pick your nose quite often? No.
कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग यस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, वो एक गुड हैबिट नहीं है। मीनाक्षी क्लासिफाइड सम एनिमल्स इनटू ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। आइडेंटिफाई द एनिमल विच इज प्लेस्ड इन द रॉन्ग ग्रुप। इसका आंसर है मंकी। मंकी यहाँ पर रॉन्ग ग्रुप में प्लेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प सोहम टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। इंटरनल ऑर्गन्स नो, एक्सटर्नल ऑर्गन्स नो, सेंस ऑर्गन्स यस। तो उस पर हम टिक लगा देंगे। सेंस ऑर्गन्स हमारे आसपास के वर्ल्ड को जानने में हेल्प करता है। आई एम जनरली ग्रीन कलर्ड। आई कैन बी थिन और थिक एंड आई मेक फूड। हु डू यू थिंक आई एम। सो ग्रीन कलर का होता है वो थिन भी हो सकता है और वो थिक भी हो सकता है और वो फूड बनाता है, तो वो होता है लीव्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ट्रेन्स एंड बसेस बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। देन वाई आर ट्रेन वाई द ट्रेन इज बेटर देन द बस। वो बेटर इसलिए होती है बस से क्योंकि वो एक टाइम पे ज़्यादा पीपल और गुड्स कैरी कर सकती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following example shows that plants are living things? Plants growing towards sun, yes. Plants growing in height, yes. Plant reproduces through seeds, yes. So ये तीनों हैं, यानी all of these. Option D. A traffic light signal consists of three colors. Which one of the following is correct pair of the color and its meaning? तो red stop, yellow stop, no, ये गलत combination है, ये गलत pair है। Red go, no. Green look, ये भी गलत pair है। Yellow go slow, yes, ये सही pair है। Yellow का मतलब होता है go slow. नाउ हम आ गए हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन पर। 23. Why does the moon appears to be larger than the stars? The moon is larger than the sun. No. The moon is brighter than the stars. No. The moon is closer to the earth than the stars. Yes. The moon is the largest of all stars. No. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what controls all our activities of support, movement, protection and blood cell production? Nervous system? No. Circulatory system? No. Muscular system? No. Skeletal system, yes. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, skeletal system. राहुल says, look, there is a spider. It is an insect. Then Neeta says, no, the spider is not an insect. Why did Neeta say that a spider is not an insect? Spiders are bigger in size than insects. No. Spiders have four pairs of legs. Yes. इसलिए नीता ने ये बोला। सो हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। अब हम आ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स। तो यहाँ पर ऑड है आर, यानी लंग्स। क्यों? क्योंकि आईज यानी पी, नोज यानी क्यू, टंग यानी एस और ईयर यानी टी, ये सब सेंस ऑर्गन्स है और लंग्स ये इंटरनल ऑर्गन है। सो हम ऑप्शन डी आर पे टिक करेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग?
बी इज शॉर्टर देन डी, बी इज नॉट शॉर्टर देन डी, सो इस पे हम रॉन्ग. सी एंड ए आर ऑफ इक्वल हाइट, ये सी और ये ए इक्वल हाइट्स के नहीं हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. बी इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल, बी सबसे टॉलेस्ट है, तो ये राइट. सी इज थिनर देन ए, सी इज थिनर देन ए, नो. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 28, कंप्लीट द सीरीज. ये हमें यहाँ पर सीरीज दे रखी है, आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा. इसका आंसर है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन ए आएगा. फाइंड आउट द मिसिंग पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट इट. तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा. क्यों? देखिए आप, ये वाला जो ब्लॉक है इसमें ये छोटी साइज का है और ये भी छोटी साइज का है, बट जो ये वाला है सेकेंड वाला, ये इस वाले से बड़ी साइज का है, और फिर इन तीनों में, इन दोनों में से बड़ा है ये. तो अब जो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो इन सबसे बड़ा ही तो होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. सीता विशेष टू मेक थ्री ग्रुप्स ऑफ सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल शी चूज. तो वो चूज करेगी ऑप्शन बी. व्हाई? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्टार्स, आप देखिए इनको काउंट कीजिए, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, और ये टोटल 3 ग्रुप्स हैं, तो ये हो गए ना 3 ग्रुप्स ऑफ 7, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट. कंप्लीट द फिगर पैटर्न शोन बिलो. इस फिगर पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हम ऑप्शन सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट पाइनएप्पल है और पाइनएप्पल के बाद एप्पल एंड देन मैंगो आ रहा है. ऑप्शन सी में भी एप्पल एंड देन मैंगो दे रखा है. लुक एट द पिक्चर एंड काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा 5, और फिर ये 6. और कोई रेक्टेंगल दिख रहा है आपको इनके सिवाय? नहीं. तो कितने रेक्टेंगल्स हैं टोटल हमारे पास? 6. तो ऑप्शन सी 6 इज करेक्ट. नेम द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द शेडेड पोर्शन. ये जो हमें शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है, देखिए इसको और बताइए. इसमें है रेक्टेंगल, यानी ऑप्शन बी. विच स्माइली इज 5th फ्रॉम द राइट एंड. तो यहाँ पर ये है लेफ्ट और ये है राइट. अब यहाँ पर 5th कौन सा है? 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये 5th. कौन सा लेटर है इसका नाम? आर. तो ऑप्शन बी आर इज करेक्ट. इफ टुडे इज संडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी. आज संडे है तो कल क्या होगा? मंडे. और उसके बाद क्या होगा? ट्यूसडे होगा उसके बाद. सो हमें ट्यूसडे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन डी. सो इट इज करेक्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें मेरे न्यू नो वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए. बाय.